हे गाइस, वेलकम टू वी माइंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल वी माइंड्स पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को आप अपने लैपटॉप पीसी कंप्यूटर पर कैसे ला सकते हो, मतलब आप उसे मिरर कैसे कर सकते हो अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा, आपको सिंपली खोलना है गूगल क्रोम ब्राउज़र और उस पर आपको गूगल क्रोम ही मैं रिकमेंड करूँगा। गूगल क्रोम पर ही काम आप कर सकते हो। गूगल क्रोम पर आपको लिखना है VYSOR, कुछ इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा गूगल क्रोम पर, जिस तरह से देख सकते हो मैं लिख रहा हूँ। आपको गूगल पे लिखना है VYSOR, जिससे आप ये एप्लीकेशन है जिससे आप मिररिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन को। सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है उसे आपको ओपन कर लेना है, जो कि गूगल स्टोर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद उसे आपको लॉन्च करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, मैं इसे इंस्टॉल किया हुआ इसीलिए लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अच्छे तरीके से। नीचे आप देख सकते हैं, लेट्स यू व्यू एंड कंट्रोल योर एंड्रॉयड ऑन योर कंप्यूटर ईजी। तो आप समझ गए रहेंगे इसका मतलब क्या है। बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने कंप्यूटर पर अपने फ़ोन को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आपको लॉन्च ऐप कर देना है। तो बस मैं इसे पीछे का कट कर देता हूँ। कुछ इस तरह का आपको दिखाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आना है। सो गाइस, आपको मोबाइल पर अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। उसे ऑन करने के लिए आप अबाउट फोन में जाके MIUI वर्जन पर आप 5-6 बार टैप करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन जो खुला हुआ है खुल जाएगा। मेरा खुला हुआ है ऑलरेडी। तो आपको करना क्या है, एडिशनल सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको ओपन कर लेना है USB डबिंग मोड एंड इंस्टॉल विया USB, ये दो को आपको इनेबल कर लेना है। बस आपको इतना करना है। फिर आपको करना क्या मैं आगे बता, आएगा स्टेप। आपको अपने डिवाइस से, अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से आपके मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है USB के थ्रू। ठीक है, आपको स्पेसिफाई USB के थ्रू कनेक्ट कर लेना। देख सकते हो आपका डिवाइस आ जाएगा इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, Redmi Note 5 Pro जो कि मेरा डिवाइस है जो कि आ चुका है। फिर आपको साइड में कुछ करना नहीं है, सेटिंग में आपको व्यू पे क्लिक कर देना है। आप कुछ इस तरह से व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको देख सकते हैं इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर APK आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा। देख सकते हैं इंस्टॉल via USB। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है बहुत ही ईजी तरीके से, अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और इस साइड अपना कनेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है। सेम एक साइड है मेरा मोबाइल और एक साइड मेरे लैपटॉप में मिररिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने मैनेज करके रखा हुआ है आपके सामने। आप एसेस कर सकते हो, इसमें और भी सारा फीचर्स है लेकिन आपको प्रो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप समझ लेना क्या है उसमें। आप इतना आप सीख गए तो इसके आगे भी आप कर ही सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी था ये सब मेथड करने का। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।